हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि अग्रवाल। और इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हुए लेट मी जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि इस वीडियो में हम लोग कुछ मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे आपके बच्चे की इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, सो ये वाली मूवीज़ बिल्कुल फैमिली बेस्ड हैं और आई थिंक द किड्स विल इन्जॉय ये मूवीज़ देख के। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट मूवी इन द लिस्ट इज़ बेबीज़ डे आउट। बेबीज़ डे आउट 1994 में रिलीज़ हुई थी और इसकी स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, देर इज़ अ बेबी बिंक और वो जो बच्चा है वो बहुत किसी सोशलाइट का बेबी होता है और नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर में आने वाला होता है। सो तीन लोग होते हैं, एडी, नॉर्बी और वीको। ये तीनों उसको किडनैप करके ताकि उसके बदले कुछ एक लार्ज अमाउंट ऑफ रैंसम ले सके और वो उसको किडनैप भी कर लेते हैं। लेकिन ये छोटा सा बच्चा उनसे कैसे छूटता है या छूट पाता है नहीं पाता, टू नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको ये मूवी देखनी ज़रूर चाहिए, दैट इज़ बेबीज़ डे आउट और इट्स अमेजिंग एंड इट्स एक्सट्रीमली फनी। तो प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर दिखाना अपने बच्चे को। द सेकेंड मूवी इज़ द लायन किंग। ये आई थिंक लोगों ने देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है। एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फेमस। तो लायन किंग में क्या होता है कि एक कब है लायन का बच्चा जिसका नाम है सिम्बा, और सिम्बा जो है वो अपने फादर की डेथ के बाद, मुफासा की डेथ के बाद अपने घर से चला जाता है। ठीक है, अब मुफासा जो देन जब वो वापस आता है आफ्टर मेनी ईयर्स, तो उसकी मम्मा नला उसको बता दिया दैट उनके अंकल ने, स्कार ने, उसके फादर की डेथ की थी और मतलब स्कार किल्ड मुफासा। अब इस मूवी में है दैट सिम्बा अपने पापा की डेथ का बदला, रिवेंज ले पाता है नहीं ले पाता और वो किंग बन पाता है या नहीं बन पाता। ठीक है, सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट की जब इस स्टोरी में होता क्या कि स्कार जो है वो किंग है अब मुफासा की डेथ के बाद। मुफासा वॉज द किंग पहले और अब स्कार किंग है। अब सिम्बा उसको टेक ओवर कर पाता है या नहीं, सो ये स्टोरी उसको डिपिक्ट करती है एंड इट्स क्वाइट फेमस और अभी रिसेंटली 2019 में रिलीज़ हुई है। सो यू मस्ट वॉच दिस मूवी द लायन किंग। द नेक्स्ट वन इज़ मिनियंस। ये तो सबको बताऊँगे, जैसे वी आर ह्यूमंस तो इस मूवी में पोर्ट्रे किया है दीज आर येलो लुकिंग क्रीचर्स, मिनियंस कहते हैं जिन्हें। इसकी दो मूवीज हैं, द फर्स्ट वन इज़ मिनियन, द सेकेंड वन इज़ डिस्पेकेबल मी। इनमें क्या होता है, देर आर थ्री मिनियंस, केविन, स्टुअर्ट एंड बॉब, और ये अपने लिए एक मास्टर ढूंढने जाता है एंड दे विजिट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह घूमते हैं जहाँ पे इनको अपने लिए कोई अच्छा मास्टर मिल सके। ठीक है, अब इन्हें इनका मास्टर मिलता है या फिर ये किसी गलत काम में पड़ जाते हैं, किसी क्रूअल से मास्टर के उसमें आ जाते हैं। तो दिस यू हैव टू नो आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। द नेक्स्ट वन इज़ डायरी ऑफ अ विम्पी किड। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इट्स लाइक कंपल्सरी टू वॉच, बहुत अमेजिंग मूवी है, बहुत फनी मूवी है। देयर इज़ अ किड कॉल्ड ग्रेग हैफले। ठीक है, और ये एक मिडिल स्कूल का बच्चा है एंड इसकी नॉवल्स भी हैं बाय जेफ केने। सो ग्रेग हैफले जो है ये अपनी क्लास में सबसे छोटी हाइट का बच्चा है और सब इसका नॉर्मली मजाक उड़ाते रहते हैं। ये जो भी करता है कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है एंड इट इज़ सच एन अमेजिंग मूवी। इसकी सेकेंड वाली मूवी रॉड्रिक रूल्स है। रॉड्रिक इज़ जेफ का, ग्रेग का भाई। ठीक है, अब रॉड्रिक कैसे इसकी लाइफ को रूल करता है, मतलब दिस इज़ अ मूवी दैट यू हैव टू वॉच। प्लीज़ इस मूवी को देखो, बहुत अमेजिंग है। सो डायरी ऑफ अ विम्पी किड इज़ हाईली रिकमेंडेबल। प्लीज़ इस मूवी को देखो और खुद जानो कि ये कितना शरारती है और कैसी कैसी हरकतें करता है, सब कुछ इन मूवीज़ में पता चलेगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या कि ग्रेग ना अपनी एक डायरी लिखता है, उसकी लैंग्वेज में इट्स नॉट अ डायरी इट्स अ जर्नल, कि वो पूरे दिन में जो जो काम करता है वो एक डायरी पे लिखता रहता है, डायरी में एक बुक में नोटबुक में लिखता रहता है। ठीक है, और उस नोटबुक से हमें पता चलता है, उस जर्नल से हमें पता चलता है कि उसके दिन में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड दिस इज़ अ मस्ट वॉच मूवी, प्लीज़ गो वॉच इट। द नेक्स्ट वन इज़ होम अलोन। होम अलोन में क्या होता है, देर इज़ अ 8-year-old किड जिसका नाम है केविन मैक्लास्टर और इसकी फैमिली को क्रिसमस वेकेशन स्पेंड करने जाना होता है। अब कुछ ना कुछ, मतलब वो लोग रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी में एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं एंड उनको टाइम नहीं मिलता, मतलब दे काइंड ऑफ फॉरगेट कि वो केविन को घर पर ही छोड़ गए। अब वो अपनी क्रिसमस वेकेशन के लिए निकल जाते हैं और ये केविन घर पे रह जाता है। मीनवाइल दो
बर्गलर्स, बर्गलर्स इज चोर, वो हैरी और माफ मीनवाइल घर में आ जाते हैं। अब ये प्रिटेंड करते हैं कि इसके घर में बाकी की सारी फैमिली मेम्बर्स हैं, कैसे करता है और उनको चोरों को कैसे भगाता है, ही डील्स विद ऑल ऑफ देम अलोन। 8 साल का बच्चा अकेले सबसे डील कर रहा होता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस मूवी। सो प्लीज़, ये भी बहुत फनी है, ये वाली मूवी भी इज अ मस्ट वॉच। द नेक्स्ट वन इज गिफ्टेड। गिफ्टेड आपने इस बंदे को, क्रिस एवेंस को पहले भी देखा होगा एज कैप्टन अमेरिका। सो गिफ्टेड जो है इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसका नाम है मैरी, और मैरी इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड, मतलब इस ये बहुत मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर लेती है एज अ 7 ईयर ओल्ड। और इसके एक अंकल हैं, इसके एक मामा है जिसका नाम है फ्रैंक एडलर, और फ्रैंक एडलर चाहता है दैट मैरी ये सब जीनियस की तरह ना रहे, मैथमेटिशियंस की तरह, ये उसको एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता है ताकि नॉर्मल स्कूल में रहे, कुछ ज़्यादा गिफ्टेड वगैरह ना रहे, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड इसकी एक नानी होती है एवलिन, मैरी की नानी एज इन फ्रैंक की मम्मी होती है एवलिन, एंड शी वॉन्ट्स कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है मैरी वो बहुत बड़ी मैथमेटिशियन बने और बहुत कुछ मिले। तो इसकी कस्टडी, मैरी की कस्टडी फ्रैंक के पास जाती है या एवलिन के पास जाती है, तो ऑल ऑफ दिस इज डिस्क्राइब्ड इन दिस मूवी, और कि मैरी एक्चुअल में गिफ्टेड है या नहीं है। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी एंड यू हैव टू वॉच दिस, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू बुक्स दैट आई रिकमेंड कि बच्चों को देखनी चाहिए, जिनसे उनकी इंग्लिश इम्प्रूव करो, जिनसे उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, सॉरी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।